रखने के लिए तिमाही बैठक जैसे की जाती है उसका आयोजन आज किया गया। अधिकतर योजनाओं में ठीक प्रगति है और जहां पर सुधार की आवश्यकता है उसके निर्देश भी दिए गए हैं और सभी माननीय सांसदों ने भी, किशन कपूर जी ने भी, इंदु गोस्वामी जी ने भी और दो माननीय विधायक, उन्होंने भी अपना योगदान दिया और सब एक टीम के रूप में अच्छा काम कर सकें, इम्प्लीमेंट बेहतर कर सकें, उस दिशा में काम किए हैं। क्योंकि आखिरी महीना इस फाइनेंशियल ईयर का है तो सारी अचीवमेंट 100% हो, उस दिशा में काम करें और भविष्य में जहां पर प्रोग्रेस प्रोजेक्ट की तो हो लेकिन प्रोसेसिंग में सुधार कैसे हो। मान लीजिए फॉरेस्ट की क्लीयरेंस में समय लगता है तो उस प्रोसेस में बदलाव कैसे किया जाए ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके, ईज़ ऑफ लिविंग हो सके। इस तरह से अन्य ऐसे काम हैं जहां पर प्रोसेस में सुधार करने की ज़रूरत है, रिपोर्टिंग से लेके, जैसे माइनिंग है। अब माइनिंग में आप पर्यावरण का नुकसान तो करते ही हो, राज्य की सरकार का रेवेन्यू भी कम आता है, तो इन दोनों में सुधार कैसे हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, इस पर भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। अन्य अन्य क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने के लिए कहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है जल्द वो रिपोर्ट भी आएगी और 3 महीने के बाद जब हम एक बार फिर मीटिंग करने बैठेंगे तो इसमें सुधार दिखेगा। सर, तो स्मार्ट सिटी को लेकर भी सर जो है देखा गया कि काम जो है स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट में काफी सुधार की आवश्यकता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में गति नहीं मिल पाई और जो निर्णय भी हुए हैं उसमें क्या सही मायने में धर्मशाला स्मार्ट सिटी बन पाएगा, तो कुल मिलाकर बड़ी पिक्चर क्या हो धर्मशाला को एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभारने के लिए, उसमें भी जो आवश्यकता होगी वो करेंगे। धर्मशाला में किस तरह देखते हैं, G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक बड़ा गौरवशाली पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण G20 की अध्यक्षता भारत को मिली। कला, संस्कृति, साहित्य के साथ साथ भारत की बढ़ते कदम हर क्षेत्र में ये भी दिखाने का अवसर मिलेगा और जो दुनिया भारत की ओर एक उम्मीद के साथ देखती है वो देश में आकर उनको बहुत कुछ दिखेगा कि भारत बहुत कुछ दुनिया को दे सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो कैंपस है धर्मशाला से 13 शिक्षकों के लिए, मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं लेकिन जो भी इसमें और प्रयास करने होंगे वो भी किए जाएंगे, आधिकारिक तौर पर भी किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर रही है बड़े स्तर पर दिल्ली में, पंजाब में, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी को तब रोक लगानी चाहिए थी जब इनके शराब घोटाले वाले मंत्री, लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में थी। मैं तो पहले भी कहता था कि मनीष सिसोदिया जी आरोपी नंबर 1 हो सकते हैं लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में ही एक नहीं अलग अलग विभागों में जो लूट दिल्ली से लेकर पंजाब तक हुई है, जहां इनको मौका मिला वहां पे कानून व्यवस्था चरमरा गई। पंजाब में, दिल्ली में कहते थे 2 दिन के लिए दिल्ली पुलिस दे दो सब ठीक कर देंगे, पंजाब में है तो पंजाब में क्या चल रहा है। दूसरा घोटाला, शराब घोटाला करने वाले, जब शिक्षा का घोटाला आएगा तो हम उस पर शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। आज तो शराब घोटाला करने वाला मंत्री जेल गया है और CBI ने पूरी जांच करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की है। जांच में सहयोग करना चाहिए और दिल्ली में महिलाओं ने पहले प्रदर्शन किया कि हर गली में शराब के ठेके कैसे खोल दिए गए, दिल्ली में किस तरह से किन किन लोगों से तार जुड़े थे और कैसे सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट की गई, इसका जवाब मनीष सिसोदिया को तो देना ही पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल जी आपको भी देना ही पड़ेगा। पंजाब में भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है लगातार बिगड़ती जा रही है, उसको लेके क्या? मैं इतना ही कहूंगा, बड़े बड़े वायदे करके जो सत्ता में आए थे आखिर कहां है वो? जब पंजाब में वो सब चल रहा था तो पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंबई में क्या कर रहे थे? इस पर भी बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार शय किसकी है। सर, एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए बजट का किस तरह से प्रावधान है? एयरपोर्ट विस्तारीकरण बहुत बड़ी आवश्यकता है हिमाचल प्रदेश की और धर्मशाला के एयरपोर्ट के विस्तार के लिए
जमीन अधिग्रहण से लेके जो काम राज्य की सरकार करेगी, तो एयरपोर्ट के निर्माण में भी केंद्र की सरकार पूरा सहयोग करेगी।